हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र यादव अपने YouTube चैनल वर्जिनल ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, हाइड्रा क्रेन। इस हाइड्रा क्रेन को चलाने का ढंग मात्र 5 मिनट में आप लोगों को बता दूंगा कि हाइड्रा क्रेन कैसे चलाया जाता है। यदि आप इसको चलाने का ढंग आप सीख जाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने कमा सकते हैं। कहीं भी यदि आप गाड़ी चलाते हैं, इस क्रेन को चलाते हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये आप पर मंथ कमा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं भाई साहब हाइड्रा क्रेन। किसी भी वजन से वजन माल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रा क्रेन। इस हाइड्रा क्रेन को मैं आप लोगों को, आइए दोस्तों बताता हूँ कि कैसे चलाया जाता है। सिर्फ 5 मिनट का समय लूँगा मैं आप लोगों को और बता दूँगा कि हाइड्रा क्रेन कैसे चलाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें ये हैंड ब्रेक है, ये देख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक है। अभी फिलहाल ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आगे की तरफ लगा हुआ है। इसी हैंड ब्रेक को ऐसे दबा करके और पीछे कर दोगे तो ये हैंड ब्रेक खुल जाएगा, और इसी को यदि आप आगे कर दोगे तो ये हैंड ब्रेक लग गया। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे पहला पैडल है इसका लेफ्ट हैंड में क्लच। कोई भी गाड़ी चालू करने से पहले क्लच को जरूर दबाया जाता है। ये क्लच का पैडल बाएं पैर में है, इसको आप दबाएं और फिर उसके बाद इस चाबी को ऑन करें। ये जो चाबी है इसको आप ऑन करेंगे, चाबी जब ऑन करेंगे तो ये मीटर आपका बताएगा कि चाबी ऑन हो गई है। चाबी ऑन होने के बाद आप क्लच दबा करके और इसको, ये स्टार्टर है, इससे आप गाड़ी स्टार्ट हो, देख लो दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसमें दूसरा पैडल है ये ब्रेक का, ये ब्रेक है। दूसरा पैडल बीचों बीच में जो आता है, ये बीचों बीच में जो पैडल आता है ये ब्रेक का है, और इसका ये जो स्टाफ है इससे अगर आप खींच देते हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखो बंद हो गई दोस्तों, गाड़ी बंद हो गई। तो सबसे पहले हमने बताया, और तीसरे नंबर पे जो इसका पैडल है ये रेस का, एक्सेलेरेटर जिसको बोलते हैं, ये रेस का पैडल है। सबसे राइट हैंड में दाहिने पैर पे रेस है और बीच में ब्रेक है और सबसे बाएँ में क्लच है। ये तीन पैडल होते हैं, अक्सर सभी गाड़ियों में तीन पैडल होते हैं। लेफ्ट में क्लच होता है, बीच में ब्रेक होता है और सबसे राइट हैंड में रेस जिसे एक्सेलेरेटर बोलते हैं। तो हमने इस क्लच को बाएं पैर वाले पैडल को दबाते हैं, इसके बाद इसका एक गियर लीवर है। इस गियर लीवर को ये देखो अभी न्यूट्रल है, फिलहाल न्यूट्रल हो गई गाड़ी। इसको जब हम बाएं की तरफ दबाएंगे और पीछे को करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर गियर लग गया, फर्स्ट नंबर गियर लग जाएगा। और इसी गियर को फिर ऐसे करके ये हमारा 2 नंबर लग गया आगे की तरफ। ये जैसे देखो, समझो बात को, जैसे ये करके अपनी तरफ खींच करके और ऊपर की तरफ आगे की तरफ करेंगे तो 2 नंबर लग जाएगा। इसी गियर को ऐसे ठीक अपनी तरफ खींच करके ड्राइवर और ठीक पीछे ले आएगा तो ये 3 नंबर लग जाएगा। समझ पाए बात को, यहाँ से खींच के और अपनी तरफ खींच करके एक पीछे को जब दबाएंगे खींचेंगे तो ये 3 नंबर लग जाएगा। देखो इस पर लिखा भी है, ये देखो लिखा है ना, ये रिवर्स, रिवर्स फर्स्ट टू थर्ड, 3 गियर हो गए और 1 रिवर्स हो गया। तो इसमें हमने बताई ना आपको कि इधर से 1 नंबर और इसी गियर को ऊपर की तरफ लगा देंगे तो ये देखो गाड़ी रिवर्स होने लगेगी, न्यूट्रल हो गई अभी गाड़ी। ठीक है दोस्तों,
और ये इसमें एक गियर और होता है, ये हाई और लो इसको बोलते हैं, इसको इस गियर को हाई और लो बोलते हैं। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि यदि हम इसी गियर लीवर को आगे कर देते हैं तो हाई में चलेगी, यानी स्पीड बढ़ के चलेगी, तेज चलेगी, और इसी गियर को हम पीछे कर देते हैं तो गाड़ी लो में चलेगी। लोड ले करके, कोई माल उठा करके जब भी हम चलते हैं तो लो गियर में ही चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही हमें बताना था, तो हम आपको इस गाड़ी को चला के बताते हैं कैसे चलाई जाती है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों एक बार में आप समझ जाएंगे कि हाइड्रा कैसे चलाया जाता है। इसमें 3-4 मीटर होते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट मीटर एक टेम्परेचर का मीटर है, जैसे बैटरी पानी जिसमें होता है, गाड़ी गर्म हो जाए, इंजन गर्म हो जाए, उसके लिए टेम्परेचर बताएगी कि गाड़ी गर्म हो रही है, तो 100 से ऊपर काटा जा रहा है तो समझ लो कि गाड़ी गर्म हो रही है, इसको पानी की आवश्यकता है, पानी डालने। दूसरा मीटर ये प्रेशर का मीटर है। ये प्रेशर का है भाई साहब? नहीं नहीं, आयल का मीटर। ये आयल, इंजन आयल का मीटर है। हाँ, इंजन आयल का ये मीटर है। ऑयल अगर कम होगा तो ये कांटा जो है आपका बिल्कुल डाउन रहेगा। ये रेड का निशान है, इसके अंदर ही कांटा रहेगा, समझ लो इसको ऑयल की जरूरत है। चौथे नंबर पे, अरे तीसरे नंबर पे, ये जो किलोमीटर का है, रीडिंग मीटर जिसको बोलते हैं, ये रीडिंग मीटर है, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, 15, 5, 10, 15, 20, 25 तक की इसकी स्पीड भी होती है, और एक किलोमीटर बताता है। नहीं नहीं, हावर, हाँ, एक घंटा मीटर, एक घंटा में के हावर से बताएगा। हाँ, एक घंटा में कितना डीजल वगैरह खाती है उसका एवरेज बताएगी आपको। और ये चौथा है, एयर प्रेशर है। हाँ, ये ये प्रेशर मीटर है, ब्रेक के लिए जो होता है, सबसे सावधानी की चीज़ें हैं इसमें। अगर 8 से अंदर हो अगर प्रेशर, तो कभी भी गाड़ी को आगे पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ, पहले प्रेशर ज़रूर बनाए गाड़ी का, प्रेशर बना होना चाहिए तभी गाड़ी को आगे पीछे करना चाहिए। कोई भी गाड़ी को पहले प्रेशर मीटर देख लें, प्रेशर है कि नहीं है, तभी गियर आगे पीछे डालें, नहीं तो गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 4 लीवर के हम बता रहे हैं कि इस कहोगे कि आप इसमें स्टीयरिंग कहाँ है, इससे होता कैसे है बाकी चीज़ें, तो इसमें जो फर्स्ट लीवर है, सबसे ड्राइवर की तरफ बाएं तरफ का जो लीवर है, इस लीवर का काम है स्टीयरिंग। इसी लीवर को यदि हम अपनी तरफ को खींचते हैं तो गाड़ी लेफ्ट हैंड में कटेगी, बाएं की तरफ कटेगी, और इसी लीवर को हम ऊपर की तरफ यदि दबाते हैं तो गाड़ी दाहिने की तरफ कटेगी। तो ये हो गया हमारी स्टीयरिंग, दाहिने तरफ ऊपर को और बाएं तरफ कटेगी नीचे को। और दूसरे स्थान पे आता है आपका ये लीवर, इसको यदि हम आगे को दबाएंगे तो बूम डाउन होगा। हाँ, बूम डाउन होगा, और इसी लीवर को यदि पीछे को हम दबाते हैं तो बूम हमारा अप होगा। और तीसरा स्थान का जो लीवर है, इसका काम है, इस लीवर को यदि हम आगे की तरफ दबाते हैं तो ये लीवर से बूम निकलता है। बूम का मतलब वो जो लंबा सा है, आप देख रहे हैं, ये बूम निकलता है। हाँ, बहुत लंबा बूम है, 50 फुट के लगभग इसका बूम है, 52 फिट का बूम है। तो ये तीसरा लीवर का काम है, आगे दबाओगे तो बूम निकलेगा और पीछे दबाओगे तो बूम बंद होगा। और ये चौथा लीवर जो आपका है, इससे रोब हरिया होता है, रोब डाउन होता है, रोब निकलता है, कुप्पी हरिया होगी, कुप्पी डाउन होगी, इसको आगे दबाओगे तो डाउन होगी, और इसी लीवर को पीछे दबाओगे तो कुप्पी टाइट होगी, रस्सा टाइट होगा, सीलिंग रोप टाइट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको अब थोड़ा बहुत स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे चलती है। देखो, हमने फर्स्ट नंबर क्लच को दबा दिया, ये चाबी को हमने, चाबी ऑन है। अब स्टार्टर को हमने दबाया, ये स्टार्टर है, इसको दबाया, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भाई साहब
अब हमारा काम है यहाँ जो हैंड ब्रेक है ये ब्रेक को हमने दबा लिया और फिर इसके बाद ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक खोल दिया और गाड़ी को हमने देखो भाइयों दोस्तों ये गाड़ी का जो लो गियर हमने बताया था ये लो गियर में हमने लगा दिया, ये लो गियर में गाड़ी लो गियर में लग गई। अब हमको लेना है गाड़ी ये रिवर्स लगाने दो, हाँ ये देखो फर्स्ट नंबर पहले हम आपको लगा के बता रहे हैं ये गाड़ी फर्स्ट नंबर में लग गई। अब हम जैसे ही इसको देखो क्लच को छोड़ेंगे और रेस को ये दाहिने पैर वाला दबाएंगे तो गाड़ी आगे मूव करेगी, देखो आगे चलने लगी। अब देखो इसी गियर को हम आगे की तरफ लगा देंगे, ये हमारा रिवर्स गियर लग गया। ठीक है दोस्तों तो